अच्छा ये तो बता दिए लेकिन आप जैसे अगर तुम 27 का चेंज करें तो फ़ायदा क्या होगा, नहीं चेंज करते तो लॉस क्या होगा, मुझे बता देते। देखिए ये हम लोग जो सर्विस जो आपको बोला हूँ क्विक इंटेक बेसिक, जैसे सर ऑयल फिल्टर चेंज करने में थोड़ा लेट हो गया, लेट होगा, देखिए लेट होगा तो वही है, आप ऑयल आपको 800 में चेंज करना था, आप ये 1000 में करना ठीक है, मतलब 200 वाट का माइनस में हो गया, इसमें क्या होता है ऑयल का जो हम बोला ना विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी और भी लो हो जाता है और भी पतला होते हैं, उस समय क्या ना उसको जो लुब्रिकेशन करने का जो उसका अंदर प्रॉपर्टीज है ना, ऑयल तो जल गया ना वो सब चला जाता है, तो क्या करता है वो आपको अंदर तक लुब्रिकेशन सही से नहीं कर पाएगा, आपका इंजन क्या होगा थोड़ा गर्म होगा ज़्यादा, उसके बाद वो बियरिंग में ना वो आपका हीटिंग मार्क आ जाता है रेड कलर का, गर्म होना चाहिए, वो एक दिन वो प्रॉब्लम होता नहीं आएगा, आगे जाके आपका प्रॉब्लम आता है ना बियरिंग घूम गया, मेन बियरिंग घूम के इंजन चल गया, मेन बियरिंग का प्ले कब आता है जब आप लोग सर्विस सही, सेम गियर बॉक्स का भी सेम है, गियर बॉक्स का अंदर भी बियरिंग है, उसका ऑयल का अंदर लुब्रिकेशन करने का उतना ये नहीं रहेगा, तो आप वो तो बियरिंग हीट होगा, फिर होगा तो एक दिन नहीं आगे जाए तो सही होना ही होगा, ये नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जितना है उसका शेड्यूल है, इतना चेंज करना वालों से बना जाएगा। अभी ये बोलिए प्रिवेंटिव